हेलो एंड वेलकम टू मिंट ऑफ इंडिया हमने स्टार्ट किया था आपके एन क्लास फिफ्थ इंग्लिश मैरीगोल्ड का यूनिट नंबर फाइव का लेसन रिप वैन विंकल और ये है पार्ट टू वीडियो इसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन था वो हमने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ इंग्लिश और हिंदी वर्ड मीनिंग्स के साथ अच्छे से समझाया है अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स सबसे पहले है सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स द फर्स्ट वर्ड इज आइडलिंग अवे आइडलिंग का मतलब हमने क्या देखा था बिना किसी मतलब के बिना किसी काम के यहाँ वहाँ घूमते रहना सो so, इसका करेक्ट मीनिंग है वेस्टेड वेस्टिंग योर टाइम सिंपली उसके बाद है क्वेश्चन टू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मतलब जो बहुत सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता ही जाएगा समथिंग विच इज़ स्टेडी समथिंग विच इज़ कंटिन्यूअस तो यह है इसका करेक्ट आंसर तीसरा है हमारे पास कंपेनियन वुल्फ द डॉग वॉज अ कंपेनियन ऑफ रिप वैन विंकल तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉग के ऊपर टिक मार्क लगा दें कंपेनियन का मतलब है कि पार्टनर एक दोस्त एक बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा साथ में रहता है उसके बाद है रियलाइज रियलाइज का मतलब होता है कि खुद से किसी चीज़ का पता चलना महसूस होना टू अंडरस्टैंड दैट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइज उसके बाद पांचवा शब्द है डिसेंड डिसेंड मीन्स टू कम डाउन द माउंटेन जैसे हम मैथमेटिक्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ते हैं ना बड़े से लेकर छोटे तक ऊपर से लेकर नीचे तक दैट इज डिसेंड टू मूव डाउन इज द करेक्ट मीनिंग सिक्स वर्ड इज़ बैरल बैरल का मतलब एक वुडन कंटेनर है जिसमें किसी भी तरीके का लिक्विड रखते हैं अगर आपने अली बाबा और चालीस चोर की कहानी पढ़ी है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बैरल के अंदर सभी चोर छिप गए थे पॉइंट नंबर सेवन इज कंटेंट्स कंटेंट्स का मतलब किसी चीज के अंदर जो भी सामान मौजूद होता है वो किसी ग्लास के अंदर अगर कोई शरबत है तो शरबत हुआ उस ग्लास के अंदर का कंटेंट यहाँ पे कंटेंट का करेक्ट मीनिंग है द इंग्रेडिएंट्स। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर टू मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विथ देयर मीनिंग सो द फर्स्ट वन इज़ नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन रिप वैन विंकल लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन पर रहता था उसका करेक्ट वर्ड क्या है फुट हिल्स उसके बाद है नंबर टू विथ ग्रे हेयर जो शॉर्ट ओल्ड मैन मिला था रिप वैन विंकल को पहाड़ के ऊपर उसके छोटे छोटे ग्रे कलर के हेयर थे उसका करेक्ट वर्ड क्या है ग्रिजल्ट तीसरा वाला शब्द है टू रब जेंटली टू रब जेंटली मतलब जैसे रिप वैन विंकल ने अपने चिन के ऊपर हाथ फेरा था प्यार से ये देखने के लिए कि सच में उसकी दाढ़ी उग गई है आंसर इज स्ट्रोक्ड उसके बाद वाला शब्द टू बी वेरी सरप्राइज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना इसे हम कहते हैं एस्टोनिस्ट दैट इज द आंसर एंड द लास्ट वन इज नोन टू यू कोई चीज़ जब आपको पता होती है इसी चीज के बारे में पता होना उसे हम कहते हैं फेमिलियर होना आई एम फेमिलियर विथ हाउ टू यूज दिस पेन सो दिस इज नोन टू मी दैट इज द एंसर नेक्स्ट इज ट्रू या फिर फॉल्स बताना है सबसे पहला है रिप वॉज अ काइंड नेबर ही वॉज काइंड टू चिल्ड्रेन येस दैट इज ट्रू उसके बाद वाला नंबर टू है रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन नो दैट इज फॉल्स क्योंकि रिप बहुत ही लेजी पर्सन था उसके बाद नंबर थ्री द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेंस वॉज इज कॉन्स्टेंट कंपेनियन नो कॉन्सटेंट कंपेनियन वो होता है जो हमेशा साथ में रहता आया हो और आगे भी रहेगा जबकि इस शॉर्ट ओल्ड मैन को तो वो पहली बार मिला था रिप माउंटेन के ऊपर तो ये कैसे ट्रू हो सकता है दिस इज़ फॉल्स उसके बाद नंबर फोर है रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेंस बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक रिप एक ड्रिंक पीना चाहता था इसीलिए उसने उस शॉर्ट मैन की मदद की नहीं ऐसा नहीं है रिप बहुत हेल्पफुल था इसीलिए उसने मदद की थी देन द नेक्स्ट वन इज रिप वॉज अवे फॉर ट्वेंटी ईयर्स बिकॉज ही वॉज अ स्लीप ऑन द माउंटेन एंड दैट इज ट्रू अ स्लीप का मतलब है कि सो जाना देन द नेक्स्ट वन इज नंबर सिक्स द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल अ स्लीप रिप सो गया था बीस सालों के लिए क्या ये सही है ये नो बडी रेकग्नाइज रिप कोई भी रिप को पहचान नहीं पाया वेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच द रोंग विलेज नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है रिप सही गाँव में ही पहुंचा था लेकिन क्योंकि वो बीस साल बाद आया था उसकी खुद की लंबी दाढ़ी बढ़ गई थी छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए थे और बूढ़े लोग मर गए थे इसीलिए कोई उसे रिकगनाइज नहीं कर पाया सो आंसर इज फॉल्स देन क्वेश्चन नंबर टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस नंबर वन रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल माउंटेन्स जैसे कि हमने फर्स्ट पेज में ही पढ़ लिया था देन द नंबर टू इज द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज लवड हिम बच्चे उस गाँव के रिप को बहुत पसंद करते थे बिकॉज क्योंकि ही प्लेड विद दैम ही टॉट देम हाउ टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड ऑल्सो टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज इसी लिए बच्चे रिप को बहुत पसंद करते थे देन नंबर थ्री इज डैश वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन कौन था अ डॉग नेम्ड वहां पे एक गैप है देन द नेक्स्ट वन इज द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम स्टेयर्ड का मतलब घूरना दे कुड नॉट रिकोगनाइज हिम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए सो फर्स्ट पॉइंट दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे सब लोगों ने सिर्फ एक ही तरीके के कपड़े पहन रखे थे सेम पैंट सेम टाई सेम शर्ट एंड सेम कोट एवरीथिंग सेम पॉइंट दे ऑल हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर सबकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ थी और सबकी दाढ़ी अलग अलग शेप्स के और अलग अलग कलर्स के थे तीसरा पॉइंट देयर फेसेस वर सीरियस कोई भी हंस नहीं रहा था मुस्कुरा नहीं रहा था सबके चेहरे पे एक अजीब तरीके की सीरियसनेस थी सब चुपचाप खेल रहे थे फोर्थ पॉइंट इज वर कम्प्लीटली साइलेंट सब के चेहरे पर एकदम सन्नाटा था वो गेम खेल रहे थे लेकिन ना किसी को चेयर कर रहे थे ना किसी से बात कर रहे थे ना नॉइस कर रहे थे ना किसी को बॉल दे रहे थे ना लेने के लिए कुछ बोल रहे थे देवेर कम्प्लीटली साइलेंट उसके बाद वाला जो एक्टिविटी है आपका दैट इज़ वर्ड बिल्डिंग यू हैव टू पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मैंशनड इन द स्टोरी मैंशन का मतलब जिसके बारे में बताया गया हो इस कहानी में हमने इन में से कितने गेम्स के बारे में हमने पढ़ा है तो हमने पढ़ा है फ्लाइंग काइट्स के बारे में नाइन पिंस फ्लाइंग काइट्स बच्चे के पतंग उड़ाते थे नाइन पिनस का गेम छोटे छोटे शॉर्ट मैन खेल रहे थे शूटिंग मार्बल्स भी रिप ने बच्चों को सिखाया था माउंटेन क्लाइंबिंग तो रिप ने खुद कर लिया था सो दीज फोर गेम्स आर मैंशनड इन द लेसन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू समाइम्स वी ज्वाइन टू वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड जैसे गुड और फिर नेचर ये दो वर्ड्स हैं इनको हम डैश लगा के ज्वाइन करते हैं और फिर एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाता है किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उसके बारे में कुछ बताने के लिए उसकी क्वालिटी स्पेशलिटी बताने के लिए उसी तरीके के यहाँ पे भी कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हमें इस पैराग्राफ में फिट डालना है तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा मिसेस दास हैज़ अ डैश जॉब इन अ क्लॉथ्स शॉप मिसेस दास के पास एक जॉब है जॉब कैसी होगी इनमें से जॉब पार्ट टाइम होगी पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लॉथ्स शॉप उसके बाद येस्टरडे एंड डैश वोमेन वॉकड इन टू द शॉप येस्टरडे यानी कि कल एक अजीब सी दिखने वाली वोमेन उनके शॉप में आई थी ऑड लुकिंग ऑड लुकिंग वोमेन वॉकड इन टू द शॉप शी वॉज वेयरिंग डैश शूज जूते कैसे होंगे हाई हील्ड होंगे शी वॉज़ वेरिंग हाई हील शूज अ डैश डॉग वॉज विथ हर डॉग कैसा होगा डॉग इन सब में से स्वीट लुकिंग फिट बैठेगा अ स्वीट लुकिंग डॉग वॉज विथ हर आई वॉन्ट अ डैश शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज़ मुझे अपने डॉग के लिए शर्ट चाहिए शर्ट की विशेषता क्या होगी वॉट इज़ द स्पेशलिटी लॉन्ग स्लीव्स वाली होगी शर्ट आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज़ शी सेट फॉर यूर डॉग आस्ट मिसिज दास डैश इन सरप्राइज अब मिसिज दास को जब सरप्राइज हुआ होगा तो उनको कैसा एक्सप्रेशन हुआ होगा शी ओपेंड हर माउथ शी ओपेंड हर माउथ इन सरप्राइज और लास्ट वाला येस रिप्लाईड द वुमेन आई वॉन्ट हेम टू बी डैश फॉर माई नेक्स्ट पार्टी इनमें से अब क्या बचा हुआ है वेल ड्रेस्ड बचा हुआ है आई वॉन्ट हेम टू बी वेल ड्रेस्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्टी देन यू हैव टू रीड अबाउट साइलेंट लेटर्स हमने इस चैप्टर में बहुत सारे साइलेंट लेटर्स पढ़े हैं साइलेंट लेटर्स वो होता है कि जिस वर्ड में वो जो लेटर साइलेंट होता है हम उसका साउंड नहीं निकालते जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है के एन डबल ई नी नी मतलब घुटना यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो के का तो हम साउंड निकाल ही नहीं रहे हैं के का क्या साउंड होता है जैसे हम काइट स्पेल करते हैं काइट सो द फर्स्ट वर्ड इज़ फॉर एग्जांपल नी नी का मतलब होता है घुटना के एन डबल -E ई -E. इसमें ये जो के है इस ये साइलेंट है के का कैसा साउंड होता है जैसे हम लिखते हैं के आई टी ई काइट के का क साउंड होता है क साउंड लेकिन हम इस वर्ड में कनी तो नहीं बोलते कनाइफ नहीं बोलते नाइफ बोलते हैं कनॉट नहीं बोलते नॉट बोलते हैं नो बोलते हैं कनो नहीं बोलते तो इसका ये मतलब है कि के का जो क साउंड है वो हम नहीं निकाल रहे हैं दैट साउंड इज साइलेंट इसीलिए यू हैव टू राइट वॉट इज कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहले वाले में के साइलेंट है द साउंड के इज साइलेंट इन द गिविन वर्ड्स उसी तरह जो नंबर टू है नेई बर ध्यान से देखिए कौन सा साइलेंट है नेई बर डो टर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डॉटर में हम डी ए यू साउंड निकाल रहे हैं डॉ यहाँ पे टी ई आर टर का भी साउंड निकाल रहे हैं डॉटर बाकी क्या बचता है जी एच का हम साउंड नहीं निकाल रहे हैं फाइट में भी एफ आई फाइट फाइट का साउंड निकाल रहे हैं बीच का जो जी एच है इसका साउंड नहीं निकल रहा ये है एस टी आर ए आई जी एच टी स्ट्रेट स्ट्रेट में हम किसका साउंड निकाल रहे हैं स्ट्रेट यहाँ पे भी जी एच का साउंड नहीं निकल रहा है नई ब में भी एन ई -e आई नई बर जी एच का साउंड नहीं निकाल रहे हैं सो आई कैन से दैट हियर द साइलेंट लेटर इज जी एच इन थर्ड वर्ड ऑनेस्ट तीसरे वाले में एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट मतलब हम यहाँ से साउंड निकल रहे हैं ओ ने हम एच का निकल ह साउंड नहीं निकाल रहे एच का साउंड कैसा होता है एच ए टी हैट ह साउंड होता है ह लेकिन यहाँ पे हम होनेस्ट नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं ओ नेस्ट इस वाले शब्द में भी एच ओ एन ओ यू आर एच ओ एन ओ यू आर ओ न एच ओ यू आर आवर बोलते हैं हम हावर नहीं बोलते आवर एच ई आई आर हाय तो इन सब में भी ये जो एच है ये साइलेंट है एच का ह साउंड नहीं निकाल रहे हैं सो द रूल इज द साउंड एच इज़ साइलेंट इन द गिवन वर्ड्स नाउ ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है नेट यहाँ पे जी साइलेंट है जो भी लेटर कलर में दिया गया है वो साइलेंट है इसे हम बोलते हैं नेट जी का ग साउंड हम नहीं निकाल रहे जी का साउंड कैसा होता है जी ओ गो ग साउंड होता है जी का लेकिन यहाँ पे हम गनेट नहीं बोलते वैसे ही कुछ शब्द है साइन जिसमें सगाइन नहीं बोल रहे हैं साइन बोल रहे हैं फॉरन कैंपेन जी का ग साउंड नहीं निकलता नेक्स्ट इज टंग टंग इसमें हम टंग ऐसे नहीं बोलते हम टी ओ एन टंग बोलते हैं सो अदर टू वर्ड्स इज टेक्निक कलीक कलीग ग का साउंड हम नहीं निकालते कलिक बोलते हैं टेक्निक बोलते हैं इसीलिए ये वाला जो है यह है साइलेंट देन थर्ड वर्ड इज चौक हम चौल्क नहीं बोलते यहां पे एल है एल का क्या साउंड होता है ल साउंड होता है चौल्क नहीं बोलते मैडम चौक और बोर्ड का इस्तेमाल करती है आपको पढ़ाने के लिए तो यह है चौक उसी तरीके से एल साइलेंट वाले वर्ड्स है स्टॉक काम वॉक हम वॉलक कभी नहीं बोलते कालम कभी नहीं बोलते बोलते हैं क्या नहीं ना स्टॉक यानी कि फूल के जो डंडी होती है वो है स्टॉक यहाँ पे भी एल 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 साइलेंट है द लास्ट वन इज पे है साइलेंट टी साइलेंट वाले और वर्ड्स है रेसल एंड ब्रिसल नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द टू पैराग्राफ्स गिवेन बिलो माई मदर इज ऑलवेज अवेक जगी हुई होना Before anyone else in the family. That means she wakes up before anyone else in the family. I usually wake up after six o'clock, six in the morning. I loll around lazily for a few minutes. Then I get up and get dressed for school. Dusra paragraph hai. At bedtime, I read a storybook. When I feel tired, I lie down and go to sleep very quickly. I fall asleep in no time. Now, what you have to do, you have to find the opposite of the following words from the paragraphs and complete the table. Awake मतलब जगा हुआ होना जो पहले से ही जगा हुआ है अभी अभी नहीं जागा अभी अभी जागा होता तो हम उसे wake up बोलते हैं बहुत पहले से जगा हुआ है ना यानी कि awake इसका opposite होता है asleep from the paragraph आपको opposites ढूंढ ढूंढ के निकालना है तो फिर अवेक का ऑपोजिट हुआ अस्लीप उसके बाद वेकअप वेकअप का ऑपोजिट क्या होता है वेकअप मतलब अभी अभी जागना इसका ऑपोजिट क्या होगा गो टू स्लीप वेकअप मतलब जागना गो टू स्लीप मतलब सो जाना सो नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपोजिट आर वेकअप एंड गो टू स्लीप उसके बाद है गेटअप गेटअप का ऑपोजिट क्या होगा गेट अप मतलब उठ जाना बिस्तर से उठ जाना इसका ऑपोजिट क्या होगा लाई डाउन यानी कि लेट जाना लास्ट इज लेजीली लेजीली का ऑपोजिट होता है लेजीली मतलब लेजी सुस्ताना लेजीली का ऑपोजिट होगा क्विकली मतलब फुर्ती के साथ बिना किसी लेजीनेस के जल्दी से सो दीज आर द फोर सेट्स ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स एंड दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर and that is how we end our chapter here only if you still have any doubt or question you can ask me in the comment box we will meet very soon with our next chapter till then thank you very much and god bless you all thanks for watching and do like share subscribe our channel mint talk india for more upcoming videos